हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस जी क्विज में। तो दोस्तों, आज जो है कि बिहार मद निषेध सिपाही के लिए संविधान का पार्ट नंबर थर्ड लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम सभी टू पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिल्कुल चैप्टर वाइज है। आज जो कवर करेंगे पार्ट नंबर थ्री को कवर करेंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। इससे पहले आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर करवाया गया था, जिसमें 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, 400 क्वेश्चन। और कल जो है कि आपको ज्योग्राफी का क्लास दिया गया था, जिसमें कि 100 क्वेश्चन कवर किए, एक पार्ट आपको दे दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं, और इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो वहाँ से आप सभी सारा चीज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम सभी कंप्लीट ज़रूर कवर कीजिएगा आप सभी। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, वीएस रामा देवी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थी? वीएस रामा देवी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला टॉपिक है लोकसभा। क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में, जो कि वर्तमान में 552 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 31वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 545 की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, 552 हो सकती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, न्यूनतम 545। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, 530 को करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, 13 निर्वाचित कर भेजती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में। ध्यान रखिएगा आप सभी। और राज्यसभा में कितना करता है? तो 12 सदस्य को करता है, कुल मिला के 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, 545 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, अनुच्छेद 331 के तहत करता है। फिर याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सीजेंगे, 1971 की जनगणना पर आधारित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, 1973 में किया गया था फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, ये रहेगा 2026 तक। कब तक रहेगा फ्रेंड? 2026 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 7.5 लाख का करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंग्लो इंडियन को कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्वेश्चन को समझिएगा, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कुल सदस्यों का 1/10 भाग की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर क्या होता है, लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 50,000 रुपया प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संसद करता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा का विघटन, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड वो लोकसभा का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, लद्दाख जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, 13 मई 1952 को हुई थी। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संसदीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, उपराष्ट्रपति नीति आयोग का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, लोकसभा का सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, मोरारजाई देसाई को त्यागना पड़ा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, लोकसभा का विश्वास। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, मोरारजाई देसाई बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, राजीव गांधी था। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, प्रधानमंत्री जो है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संकट किसी सदन का सदस्य ना हो तो अधिक से अधिक कितने दिनों तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 6 माह तक बना रह सकता है अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, ये कितने दिन के बाद हो जाना पड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, 6 माह के बाद जो कि मुक्त हो जाना पड़ता है इसे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सिर्फ केंद्रीय मंत्री गण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शून्यकाल का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स्थगन काल। शून्यकाल का अर्थ क्या है? स्थगन काल जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 36 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, डॉक्टर जॉन मिथाई थे। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे, श्याम प्रसाद मुखर्जी था। अगला टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला टॉपिक है विपक्ष नेता। क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कमला त्रिपाठी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, लोकसभा का सदस्य कराता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन में देंगे, 1,25,000 रुपया मिलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे फ्रेंड, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति या अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है।
अगला क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक विध विधेयक है अथवा नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। फ्रेंड अगला टॉपिक है महान्यवादी। क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भारत का महान्यवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एंटोर्नी जनरल महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एंटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार कौन सा परामर्श देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एडवोकेट जनरल देता है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। फ्रेंड तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा में निहित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रेंड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। अगला टॉपिक है संसदीय समिति। क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1991 में की गई थी। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने प्रकार की समिति होती है। फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उपयुक्त में से दोनों, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रांकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, 30 सदस्य होते हैं प्रांकलन समिति में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति राज्यसभा एवं लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में जो होता है वो 7 और लोकसभा में 15 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्टों या प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति करती है। फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पायदान अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, नियम समिति के पायदान अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 30 और 15 होता है। देखिए लोकसभा में 30, राज्यसभा में 15 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, 45 सदस्य। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी।